बड़ी खुशी की गल है, डेमोक्रेसी है, इत्थे कोई भी अपने कैंडिडेट खड़े कर सकता। पर ढींसा साहब ही सीगे जदों विधानसभा दे विच कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ भी बोलते रहे ने कि यह महल चों नहीं निकलते, ये लोगों दीआं दुख तकलीफां च शामिल नहीं हुंदे। पर यह बदकिस्मती है साडे सूबे की भी, मैं कह सकना साडे पोलीटिकल सिस्टम की भी, कि जिहड़ी चीज़ जिहनूं सूट करदी आ उदों असीं सारियां गल्लां पुराणियां भुल के ते असीं एकजुट हो जांदे आ अपने मुफाद वास्ते, ते पंजाब दे लोकां दे जां अपने जिथे भी सूबा उस सूबे दे लोकां दीआं गल्लां भुला के ते असीं एकदम जफ़ियां पा लैंदे। सो ये हर एक दा अपना अपना किरदार आ। मेरे ख्याल दे नाल ते इह सिस्टम जिहड़ा लोग समझदे ने चंगी तरह कि जदों असीं थोड़े चिर पहलां ते कैप्टन अमरिंदर नूं माड़ा चंगा कह रहे सी सारे, अज जो सारे बंदे कहिंदे आ कि असीं कैप्टन अमरिंदर नाल इलैक्शन लड़ांगे। सो इन्हां सारिआं नूं हुण कोई रस्ता नहीं लभ रिहा, ते जदों रस्ता ना लभे फिर गलत फैसले ले जांदे हुंदे आ। सवाल ते देखो उदों सारी दुनिया ही चुकदी रही है, उदों सुखपाल खैरा जी ने भी बड़े सवाल चुके सीगे, उस तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खैरा साहब नूं आपदे घर भी जॉइन भी कराया सारा कुछ। जे पुरानियां तुसीं वीडियोज़ कढ़ लो तो सवाल तो सारी दुनिया चुकती रही है, पंजाब का बच्चा बच्चा चुकता रहा। पर मेरे ख्याल नाल ये उन्हां दा इंडिविजुअल मैटर आ। पंजाब दे लोक, पंजाब दे विकास की गल करिए, पंजाब की बेहतरी की गल करिए, अरूसा आलम जी का मैटर या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का मैटर उन्हां दा इंडिविजुअल मैटर आ। सो इहदे नाल साडा कोई लेना देना नहीं इन्हां गल्लां दे नाल, साडा काम है सानूं लोकां ने विधानसभा चुन के भेजिया पंजाब की बेहतरी ली। सो मेरा मनना अपना परसनली कि असीं पंजाब के मुद्दों ध्यान दईए, पंजाब के लोगों की आवाज़ विधानसभा चक के उत्थे पंजाब के मसले हल कराइए। इंडिविजुअल मैटर है, जे कोई गलत काम करता तो वह उन्होंने भुगतना पैना, वो कोई होर किसी ने भागीदार नहीं होना। सो मैं समझदा कि उन्हों का इंडिविजुअल मैटर आ, जो लोग भली भांत जानते हैं तो अपना डिसीजन वोटों के दे देंगे। उन्होंने रंधावा साहब ने तो कोई यहोजी सियासत नहीं की उन्होंने नाते, उन्होंने नाते सियासत करके उन्होंने वोटा नहीं मिलनिया, मैनू या किसी होर भी सियासत करके उन्होंने नाते वोटा नहीं मिलनिया। असी तो अपने इलाके जो काम किए वो मुताबिक वोटा मिलनिया। सो ये कोई पोलीटिकल लाभ नहीं है। रंधावा साहब ने जो कोई गल चकी है तो वह उस तो पहला भी चकते रहे, तो पंजाब के लोग भी चकते रहे। सो इस चीज़ को मेरे ख्याल कोई बहुत ही हाईलाइट करने की लोड़ नहीं, सारा बच्चे बच्चे जानते हैं कि ये बहुत पुराना जिहड़ा रौला सीगा रूसा आलम जी का ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। सो इहदा दा इंडिविजुअल मैटर आपां पंजाब की तरक्की की गल करिए, मैटर बहुत छोटे ने, इहदे नाल पंजाब दे लोकां नूं कोई बेनीफिट नहीं होना, तो ना पोलीटिकल लीडर जिहड़े, मैं सारिआं नूं कहूँगा कि इस मुद्दे दे उत्ते अपना टाइम वेस्ट ना करिए, तो असीं अपने पंजाब दे लोकां दी गल करिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जरूरी सीगा तो फिर लोग बाई च दस देणगे। बॉर्डर का मतलब है कि 4-5-10 किलोमीटर आर ते 4-5-10 किलोमीटर पार, तो बॉर्डर का मतलब ये नहीं कि तुसी पूरा सूबे नूं अपनी चपेट च लै लो। ये वो सूबा है जिथे पंजाब दे विच साडी पंजाब पुलिस ने अतवाद दे वेले अपनी छाती च गोलियां झेल के ते पंजाब नूं इस अतवाद दे दौर चों कढ़िया सीगा। ते अज असीं ये कहीए कि साडी पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है, तो असीं जिहड़ा BSF दा अधिकार खेत्र वधावांगे। जे वह 15 किलोमीटर तक अधिकार खेत्र है तो फिर ये मतलब कि 15 किलोमीटर दे विच ते असीं कोई गलत एक्टिविटीज़ रोक नहीं सकते, तो 50 किलोमीटर च जाके असीं रोक लांगे। ये सारा कुछ गलत आ। इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ते BJP की गल एक आ। सो फिर वो तो अगे सारी दुनिया को पता कि जदों मुख्यमंत्री सीगे उदों किसानी मसले की हल की गल उन्हां को होई नहीं। अज चीफ मिनिस्ट्री तो लाया तो अज कहिंदे मैं सारे कानून भी रद्द करा देंगा, अज कहिंदे कि मैं BJP कोलों हर काम करा देंगा, मोदी साहब तो भी सारे काम करा देंगा। सो इन चीज़ों करके साड़ी पार्टी ने उन्होंने चेंज किया, और लोग ये भली भान जानते सके कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो BJP का सारा रल के काम चल रहा है।